देखो, आपका प्रश्न से यहाँ पर ये कहा जा रहा है, आपको यहाँ पर एक समांतर श्रेणी दी गई है, एपी समांतर श्रेणी क्या दी गई है, 11, 8, 5, 2 डेढ़ 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 डेस, और आपको ये बताना है कि क्या इस समांतर श्रेणी का कोई पद 100-150 है या नहीं है। क्या इस समांतर श्रेणी का, इस समांतर श्रेणी का कोई पद 150 है या नहीं है, आपको यहाँ पर यह बताना है। क्या इस समांतर श्रेणी में कोई पद 150 आ सकता है? देखो, 11 में अपन ने घटाया, फिर 8, फिर कम करे कितना बचा, 3, 8, 5 में से 3 गए 2, फिर 2 में से 3 गए ऋण 1, फिर ऋण 1 में से 3 गए, तो ऋण 150 कहीं पर आएगा या नहीं आएगा, आपको यहाँ पर यह बताना है। इसके लिए अपन सबसे पहले यहाँ पर डालेंगे हल, और हल डालने के बाद यहाँ पर लिखेंगे एपी का एपी, और समांतर श्रेणी एपी कितनी दी है आपको यहाँ पर, समांतर श्रेणी एपी दी गई है आपको यहाँ पर, क्या दी गई है, 11, 8, 5, 2 डेस। ये आपको यहाँ पर एक समांतर श्रेणी दी गई है। इस समांतर श्रेणी का जो फर्स्ट पद होता है उसको अपन प्रथम पद कहते हैं, तो उसका प्रथम पद ए कितना है, प्रथम पद ए का मान दिया है 11। क्लियर। अब सार्व अंतर, अगला क्या है आपका, सार्व अंतर, सार्व अंतर डी का मान क्या है, सार्व अंतर कैसे निकाला जाता है, ये पहला पद हो गया या दूसरा पद हो गया, दूसरे पद में से पहले पद को घटा दो तो आपका क्या निकल के आता है, सार्व अंतर। दूसरा पद हो गया आपका 8 और पहला पद हो गया आपका 11, दूसरे पद में से पहला पद घटा दिया, 11 में से 8 का कितना बचेगा, 3। वेरी गुड। बड़ी संख्या 11 है, ऋण की है, बड़ी संख्या ऋण की है तो उसके सामने भी चिन्ह काय का आएगा, ऋण का, तो आपका सार्व अंतर डी का मान कितना निकल के आ गया, ऋण का 3। प्रथम पद आ गया आपका ए का मान 11 और सार्व अंतर डी का मान कितना आ गया, ऋण का 3। अब आपको यहां पर यह बताना था कि क्या इस समांतर श्रेणी का कोई भी पद, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवा सातवा पचासवा किसी भी नंबर का पद, क्या इस समांतर श्रेणी का कोई भी नंबर का पद 150 है क्या, माइनस 150 है क्या, ये बताना था आपको। सवाल में ये लिखा है कि क्या इस समांतर श्रेणी का आगे का कोई भी पद माइनस 150 है या नहीं है, बताना था। तो मैंने मान लिया 50वें नंबर का, मैंने मान लिया 100वें नंबर का पद 100, मैंने मान लिया n-वें नंबर का पद कितना है, माइनस 150 है। क्या मान लिया मैंने, देखो, माना n-वां पद कितना है, माइनस 150 है। अपन ने n-वां पद कितना मान लिए, माइनस 150। n-वां पद मतलब a n का मान कितना मान लिया, माइनस 150 हो गया। n-वां पद कितना मान लिया आपने, माइनस 150 है ना। अब सिंपल सा सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है हमारा समांतर श्रेणी का n-वां पद, समांतर श्रेणी के n-वें पद का सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही हमारा क्या होता है, सूत्र होता है। अब n-वां पद अपन ने कितना माने, n-वां पद एन का मान अपन ने कितना माने, माइनस 150, तो एन की जगह कितना जाएगा यहां पर, माइनस 150 बराबर का बराबर। प्रथम पद ए का मान कितना दिया गया है, प्रथम पद प्रथम पद ए का मान कितना है, 11, तो प्रथम पद ए का मान कितना जाएगा, 11 धन का धन। हमको यहां पर यह बताना है, एन का मान पता लगाना है, एन का मान दिया है क्या, नहीं। क्यों नहीं दिया, कि हमको ज्ञात करना है कि कौन से नंबर का पद 150 है ना, मतलब एन का मान पता है क्या, नहीं, तो ये जैसे का वैसा एन माइनस वन। और डी का मान कितना है, डी का मान ऋण 3 है, तो डी का मान कितना जाएगा, ऋण 3। लिख लिया आपने, अब ऋण 150 का ऋण 150 बराबर किस तरफ, 11 धन का है, इस तरफ आएगा 11, तो क्या हो जाएगा, ऋण का 11 का हो जाएगा, ऋण का, ऋण 150 का ऋण 150 बराबर किस तरफ, 11 धन का है, इस तरफ आगे 11 का हो गया, ऋण का बराबर का बराबर, इधर कितना है n-1 और यहां पर कितना है, -3।
150 भी ऋण का, 11 भी ऋण का। ऋण ऋण वाली संख्या आपस में क्या होती है, जुड़ जाती है, और चिन्ह काय का आता है, ऋण का आता है। तो 150 और 11 कितने जाएंगे, ऋण 161। अब ऋण तीन का गुणा, अब देखो ऋण तीन का मल्टीप्लाई एन से करूंगा तो कितने जाएगा, यहाँ पर माइनस का माइनस, 3 × n का 3n, ऋण गुणित ऋण हो गया यहाँ पर धन, और 3 × 1 = 3। अब संख्या संख्या को एक तरफ कर लेंगे और n वाले को एक तरफ कर लेंगे। यहाँ पर बच्चा ऋण 161 बराबर किस तरफ, 3 धन का है, इस तरफ आके हो जाएगा यहाँ पर ऋण का, यहाँ पर कितना माइनस 3n। ऋण ऋण वाले जुड़ जाएंगे तो 161 और 3 कितने जाएंगे यहाँ पर, 164 ऋण का। ऋण ऋण वाले जुड़ जाते हैं जिन्हें ऋण का आता है, बराबर कितना बच्चा माइनस 3n। बराबर किस तरफ, ऋण 3 गुणे में है, पक्षांतर करेंगे कायम में जाएगा बटे में, तो यहाँ पर माइनस 164 बटे ऋण का 3 बराबर n। यहाँ पर n ऋण से ऋण कट जाएगा तो कितना आएगा यहाँ पर 164 बटे 3। 164 में 3 का भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा, जाएगा भाग। अब अगर मैं यहाँ पर ऐसा बोलूँ, अगर मैं यहाँ पर ऐसा बोलता कि 10वें नंबर का पद ऋण 150 है तो चल जाता, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां 10वें नंबर का, है ना। मैं बोल लूंगा कि तीसरे नंबर की चौथे नंबर की कुर्सी पर वो बंदा बैठा है, चल जाएगा वो, सही बात है। मैं बोलूंगा पांचवें नंबर कुर्सी पर वो बैठा है, चल जाएगा। मैं बोलूंगा छठवें नंबर कुर्सी में वो बैठा है, चल जाएगा। अब मैं बोलूंगा कि भैया 164/3 वे नंबर की कुर्सी पर ये बैठा है, चलेगा क्या। तो बटे वाली संख्या में अपन पूर्णांक है क्या, ये बटे में है। अगर मैं बोलूंगा कि 164/30 वे नंबर का पद ऋण 150 है तो जमेगा क्या, ये नहीं जमेगा। इसका मतलब क्या है कि इस श्रेणी में कोई भी पद ऋण 150 नहीं है, है ना। तो यहां लिख देंगे चूंकि n n n बराबर कितना है 164/3, जो पूर्णांक नहीं है, अतः श्रेणी में कोई भी पद ऋण 150 नहीं होगा। अतः श्रेणी में कोई भी पद ऋण 150 नहीं है। उतार लो उसको, नोट करो, उतार लिए।